उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हापुड़ निवासी बीटेक के छात्र कीर्ति सिंह को मोबाइल छीनने के चक्कर में ऑटो से गिराकर मारने वाले दूसरे आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने रविवार देर रात हुए एनकाउंटर में मार गिराया। इससे पहले शनिवार को एक आरोपी बलवीर पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। बलवीर से पूछताछ के बाद जितेंद्र का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर करते हुए उसे यमराज के पास पहुँचा दिया है। ये मुठभेड़ मसूरी थाना क्षेत्र के गंग नहर पटरी पर हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर की शाम ऑटो से जा रही छात्रा कीर्ति सिंह के साथ मोबाइल लूटने की कोशिश की गई थी। नाकाम होने पर बदमाशों ने उसे चलते ऑटो से गिरा दिया था। इस हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान कीर्ति की मौत हो गई। हापुड़ के गुप्तेश्वर घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि 50 घंटे के भीतर ही पुलिस ने जुर्म का हिसाब करते हुए एक आरोपी को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, तो वहीं दूसरे को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 29-30 अक्टूबर 2023 की रात्रि में थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गंग नहर पटरी के किनारे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें सामने से दो बाइक पे दो लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान जितेंद्र रूप जीतू सन ऑफ गंगाराम निवासी मिसलगड़ी थाना मसूरी के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। लूट के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस अभियोग में भी ये घायल अभियुक्त फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। समस्त घटनाक्रम में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।